कभी कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं, अब कुछ भी सही नहीं होने वाला। लेकिन तभी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ अचानक से अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लगता है, और यही वो मोमेंट है मेरी लाइफ का। हाँ, यही एक पर्टिकुलर मोमेंट था मेरे सफर का, जिसे कहते हैं हैप्पीनेस। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी हमें जो भी दिखा है वो सही या गलत है, ज़रूरी सिर्फ ये है कि आप उसमें कितना खुश रह सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम मनाली, एंड दिस इज़ अवर थर्ड डे इन मनाली, एंड मीट द वेरी स्पेशल पर्सन हेयर। ये इनका नाम है संदीप, संदीप शर्मा, संदीप शर्मा जी है। और जिस खूबसूरत प्रॉपर्टी में हम 3 दिन से रह रहे हैं, उस खूबसूरत प्रॉपर्टी के किस्मत वाले ऑनर है ये। और अभी इन्होंने हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। एक्चुअली कल रात से मेरा मूड इतना ख़राब था ना, बिकॉज मॉल रोड पे भी हमें कई लोगों ने बताया कि मौसम ख़राब होने के कारण वहाँ पर जाना अलाउड नहीं होगा। बट इसलिए हम आज उठे भी आराम से, मैंने बोला चलो लोकल मनाली एक्सप्लोर करेंगे। बट फॉर्चुनेटली ये आए, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है आप, मैं आपको गाड़ी अरेंज करवा देता हूँ, आप जल्दी चला जाओ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट हेल्प। तो अभी हम निकल रहे हैं वहाँ के लिए, फटाफट तैयार होकर, बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग वेरी लेट। तो फटाफट अभी पहुँचते हैं, सफ़र स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फाइनली हमारी कैब आ गई है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू विजिट रोहतांग पास। आई होप आप लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे जितना मैं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रोहतांग पास का सफ़र। सो गाइज, इनका नाम है निखिल जी, कैब आ गई है हमारी, अब यहाँ से निकलते हैं रोहतांग पास के लिए। सीधा रोहतांग पास ही जाएंगे ना? रोहतांग। चलो यार स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये सूट हमने रेंट पे लिया है, ओनली 250 रुपीज़। सॉक्स हमने ख़रीदे हैं जो कि स्पेशली वहाँ की ठंड बर्दाश्त कर सके उस टाइप के, वो 100 रुपीज़ के थे। हैंड ग्लोव्स मेरे पास ऑलरेडी थे, इसके लिए मैंने बाय नहीं किया, बट इसने बाय किया, वो भी 100 रुपीज़ के थे। और वाकई में इतना ताम झाम करेंगे, बट लग रहा है इमेजिन कर पा रहे हो कि वहाँ पर कितनी ठंड होगी, है ना भाई? बहुत ठंड होगी ना, माइनस में ही होगा, है ना? माइनस में होगा तो ये सब ताम झाम ज़रूरी है। For our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore. ये सफर, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हसीन वादियाँ और खुला आसमान, पता नहीं क्या लगाव हो गया मुझे इनसे। लेकिन जो भी कहो, सुकून बड़ा मिलता है यार इनका दीदार होने से। हो सकता है किसी को मंजिल की तलाश हो, कोई सुकून ढूंढ रहा हो, या फिर कोई अपनी जिंदगी से पूछे गए सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो, लेकिन हम तो सफर में ही खुश है यार। आज हम रोहतांग पास जाएंगे, सपने में भी नहीं सोचा था। आई मीन, हमने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी यार। लेकिन वो कहते हैं ना,
अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो सारी मुश्किलें अपने आप ही दूर होने लगती है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आज मैं इन रास्तों पे हूँ जो रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता है। फाइनली आ गए रोहतांग पास। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वो जो जनरली आपने देखा होगा ना, एक बोर्ड लगा रहता है जिसपे रोहतांग पास लिखा हुआ रहता है, वो अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। बट पुलिस वाले, आप देख रहे हो मेरे पीछे, वहाँ पे मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जाने नहीं दे रहे आगे। बट ये भी रोहतांग पास ही है। और आई डोंट नो आप वीडियो में देख पा रहे हो कि नहीं, कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है एक्चुअली में। और भाई मजा आ गया, बस रचित भाई एक नंबर। ओ मनाली से अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर की दूरी ये खूबसूरत सा स्पॉट। अगर आप मनाली आए तो यहाँ विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। वैसे ये पास हैवी स्नोफॉल के कारण बंद हो ही जाता है जनरली अक्टूबर में और खुलता है मार्च के बाद। इन 5-6 दिनों में हिमाचल के काफी रंग देख लिए और एक चीज ये जो बची थी देखनी वो आज पूरी हो गई, स्नोफॉल। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मौसम खराब ही होता चला गया और वहां पे खड़े पुलिस वालों ने सभी टूरिस्टों को वहां से जाने की हिदायत दे दी, बिकॉज अगर रास्ता बंद हो गया तो वहां पे फंसे रहने का भी डर रहता है। वैसे तो हमारा प्रोग्राम आगे सोलांग वैली जाने का भी था, बट ऑलरेडी शाम हो गई थी तो हमने वहीं पे एक लोकल ढाबे पे मस्त गर्मा गर्म सूप पिया एंड मैगी खाई। सो गाइस, विदा लेता हूँ आपसे एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।